बात यहां से चल रही थी कि इस्लाम ने जो सफाई का निजाम पेश किया है इतना खानदानी है कि अब तक दुनिया उसका अल्टरनेट नहीं ढूंढ सकी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जानवर में भी अल्लाह ने हमें बताया कि हलाल क्या है और हराम क्या है, क्योंकि पेट में क्या चीज डालनी है, साफ पाकीजा चीजें। फिर जानवर को जबा करने का हुक्म है ताकि उसकी गंदगी उसके जिस्म से निकल जाए। खून दरिंदों के पीने की चीज है, इंसानों के खाने और पीने की चीज खून नहीं है। फिर अल्लाह ने यह भी हुक्म दिया कि जानवर जबा करते हुए इससे अल्लाह का नाम लो, इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं। इसका असल मकसद है अकीदे तौहीद को जिंदा रखना। मुशरिकीन बुतों के नाम पे जानवर जबा किया करते थे, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी हिकमत ये भी है कि जो जानवर है ना, हमें कोई हक नहीं है कि हम अपनी गजाइत के लिए इनसे जिंदगी का हक छीन लें। जो लोग खुदा के मुनकिर हैं वो किस बेस पे जानवर को काट के खाते हैं? भाई जब इत्तेफाक से पैदा हुए हैं तो जितना हक आपको जिंदा रहने का है उतना ही बोलो ना उसको भी जिंदा रहने। हम जानवर पे अल्लाह का नाम लेते हैं, इसमें एक हिकमत ये भी है ये बताने के लिए कि अगर अल्लाह की तरफ से परमिशन ना होती तो हम इन जानवरों को खाने हमारे लिए हलाल ना होता। जिसने बनाया है उसने हमारे लिए इन जानवरों को हलाल किया है, लिहाजा हम उसका नाम लेंगे। जब आप इन गैर मुस्लिम कंट्रीज में आते हैं ना तो हलाल और हराम की फिक्र बहुत से लोग छोड़ देते हैं, ये जायज नहीं है आपके लिए। और याद रखें ये मशीन का जो जबीहा है ये हलाल नहीं है। अल्लाह ने हुक्म दिया ला ताकुलु मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाह अलैहि, जिस जानवर पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए वो मत खाओ। आप कह सकते मशीन भी तो अल्लाह का नाम ले रही है। कुरान ने हमारे लिए तीन किस्म की कौमों के जबा करदा खाने को हलाल करार दिया है, एक मुसलमान, एक यहूदी और एक ईसाई, जो अपने मजहब पर को फॉलो करते हो। आजकल बहुत सारे क्रिश्चियन ऐसे हैं जो एथियस हो चुके हैं, मुल्हिद हो चुके हैं, उनकी बात नहीं हो रही, जो वाकई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हो, उसके जबीहे को अल्लाह ने हलाल करार दिया है। इन तीन मजहबों के अलावा किसी के जबा करदे को अल्लाह ने हलाल करार नहीं दिया। तो मशीन का कोई मजहब होता है? बोलो भाई क्या हो गया? मशीन का थोड़ी कोई मजहब होता है, अल्लाह ने इसकी भी शर्त लगाई है कि जो पैगंबरों को मानते हो, आसमानी किताबों को किसी भी दर्जे में मानते हो। यही वजह है कि हिंदू जब जबा करेगा तो हमारे लिए हलाल नहीं है, सिख जब जबा करेंगे तो चाहे 100 दफा अल्लाह का नाम ले ले हमारे लिए हलाल नहीं, क्योंकि पैगंबरों के सिलसिले को नहीं मानते। यहूदी मानते हैं, ईसाई मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, इसलिए उनका जबीहा हलाल है। तो जब आप सब लोग जो इस बात का एहतमाम करेंगे भाई हैंड स्लॉटर होना चाहिए, हाथ का जबीहा होना चाहिए, तो यहां की गवर्नमेंट आपको सहूलत देगी। जरूरत इजाद की मां है ना, जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज सोसाइटी में आ जाती है। लोग अक्सर मॉर्गेज का मसला पूछते हैं कि जी हम बैंक से अगर घर नहीं लेते तो भाई घर तो हमारी जरूरत है। यकीनन घर आपकी जरूरत है, जाती घर आपकी जरूरत है, समझ रहे हैं, घर जरूरत है, लेकिन जाती घर का होना आपकी जरूरत नहीं है। अगर मुसलमान इस तरह सूदी कर्जे ले लेके घर बनाना शुरू कर देंगे तो सूद के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? फिर इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की हो, जब गवर्नमेंट को पता होगा भाई मुस्लिम जो है वो मोर्गेज पे घर नहीं लेते तो वो खुद इस्लामिक बैंकिंग को प्रमोट करेंगे। उनका क्या जा रहा है? गवर्नमेंट का थोड़ी कोई नुकसान है इस्लामिक बैंकिंग को या सूदी बैंकिंग को। कह रहे भाई हम जब बहुत ज्यादा मुसलमान वो देखेंगे कि ये लोग नहीं घर ले रहे हमसे तो वो क्या करेंगे? इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आएंगे वो। अगर मुसलमान उधर चले गए तो फिर ये काम नहीं हो सकता। तो इस्लाम ने हमें बताया कि खाना कैसे, दूसरी सबसे पहले पेट को साफ रखना है। फिर नजासत की दूसरी किस्म है कि चोरी का माल ना हो, हराम तरीके से कमाया हुआ ना हो, यह भी नजस है। मिसाल के तौर पर आपने आप जमजम की 2 बोतलें पी हैं लेकिन वो चोरी करके लाए थे आप, या आपने चोरी के पैसों से खरीदी, तो कुरान के मुताबिक वो भी नापाक है आपके लिए। हालांकि वो क्या है? आबे जमजम, लेकिन चूंकि हराम माल से खरीदा गया है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हराम का जब एक निवाला इंसान के जिस्म में आता है उसकी ना दुआ कबूल होती है, अल्लाह उसकी नमाजों से बरकत और नूर, हदीस का मफहूम है, खत्म कर देते हैं। तो ये भी गंदगी है कि आप हराम माल से कोई चीज खा रहे हो। आपने पाकीजा माल से खाना है, जुए से कमाया बनाओ, चोरी से कमाया बनाओ, किसी को धोखा दे के ना कमाया हो आपने। फिर उसके बाद सफाई शुरू होती है मुंह की, पेट के बाद किसका हिस्सा आता है? आज दुनिया ने टूथपेस्ट और टूथ ब्रश ईजाद किए हैं, लोगों को अवेयर किया जा रहा है भाई दांतों को साफ रखना चाहिए,
1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे, उस जमाने में जब लोगों में दांतों की सफाई का रिवाज नहीं था, इस कदर मिसवाक का और दांतों को साफ रखने का हुक्म दिया कि उसकी नजीर हमें माजी में कहीं भी नहीं। ऐसी तहजीब कि आप बाहर से मैले और दांत आपके गंदे हो, तो जो कुछ भी आप खा रहे हो क्या वो पाकीजा हो सकता है, वो साफ हो सकता है? सुबह उठते हुए मिसवाक हो रही है, रात को सोते हुए मिसवाक हो रही है, हर नमाज से पहले मिसवाक हो रही है, और कमाल की बात यह कि दुनिया से जाते हुए भी मिसवाक हो रही है। अरे भाई, अब तो दुनिया से जाने का वक्त है। आप किसी भी आलिम से पूछें कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जाते हुए सबसे आखिरी अमल क्या किया है, भाई दांत साफ करके गए। यार ऐसी तहजीब है भाई। ये जो फिरौनियों की लाशें दरियाफ्त हुई है ना 4000 साल पहले, मैंने खुद बीबीसी में रिपोर्ट पढ़ी है कि उनके दांतों पे जो तहकीक हुई है उससे पता चलता है पूरी कौम में कोई भी कमबख्त ऐसा नहीं है जो दांत साफ करता हो। समझ में आ रही है बात? उनके दांतों पे जो तहकीक हुई है ना उससे पता चलता है कि पूरी कौम में कोई भी कमबख्त ऐसा नहीं था जिसको दांतों की सफाई की तोहफा के बादशाह थे, रॉयल फैमिली के लोग थे, उनमें तो सफाई वैसे ही ज्यादा होती है, दांत कोई भी साफ नहीं। दांतों को साफ करने के बारे में जो रहनुमाई मिली है लोगों को वो पैगंबरों से मिली है। मूसा अलैहिस्सलाम मिसवाक किया करते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिसवाक किया करते थे, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनका भी पैगंबरों से लिंक है उनमें तो आपको मिसवाक और दांतों की सफाई नजर आएगी। जिन कौमों का पैगंबरों से रिश्ता कमजोर हो गया उनमें जब तक साइंसदानों ने या डॉक्टरों ने इसको प्रमोट नहीं किया है उस वक्त तक उनमें दांतों की सफाई का कोई तसव्वुर नहीं था। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? तो मुंह की सफाई, 15 दफा मुंह को धोने का हुक्म दिया इस्लाम ने। फजर हम पढ़ते हैं तो वजू में कितनी दफा कुल्ली करते हैं? 3 दफा। फिर जोहर में 3 दफा। 5 नमाजों में कम से कम कितनी दफा हो जाएगा? और कराची में तो और ज्यादा दफा होता है। और ज्यादा दफा होता है। अब क्यों होता है या कभी आप अकेले में मिलेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपसे इस बारे में बात, हर बात खुले में नहीं बयान की जा सकती, छांव में, क्योंकि गिजाएं ऐसी हैं ना कि वजू का ठहराना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। वैसे तो यहां भी यही गिजाएं हैं, इतना ज्यादा एहसास से कमतरी में जाने गीजे बरकर तो यहां भी लोग खा रहे हैं, बल्कि यहां ज्यादा खा रहे हैं, तो फिर भी थोड़ी सी नेचुरल गिजा खा लेते हैं। हर चीज में हम खराब नहीं है, ध्यान में रखें, बहुत सारी चीजें हमारी खानदानी है। यहाँ कोई अंग्रेज से पराठा हजम करवा के दिखाओ, जो पराठे हम खाते हैं ना वो किसी गोरे को बोले तो बहुत बड़ा फंटर है ये, दो पराठे हजम करके। खैर, तो फिर तीसरे नंबर पे सफाई में लिबास आता है या बॉडी आती है? बॉडी आती है, लिबास बाहर की चीज है ना। तीसरे नंबर पे क्या आती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन में 15 दफा मुंह के धोने का हुक्म दिया है, कुरान में है। 15 दफा बाजू, 15 दफा पांव, 1 दफा सर का मसा और कानों में मसा। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हक्कुन अला कुल्ली मुस्लिमिन अन यगतसिल फी कुल्ली उस्बुइन मर्रतन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर मुसलमान पर लाजिम है कि हफ्ते में कम से कम 1 दफा वो गुसल करे। ये इस कौम को गुसल करने का हुक्म दिया जा रहा है जिसके पास सबसे महंगी चीज पानी था। अरब में पानी, आज भी पेट्रोल सस्ता है भाई, पानी क्या है? महंगा है। वो दूर दराज जगहों पे जाना पड़ता था कुएं की तलाश में। मैंने जब मदरसे में दाखिला लिया ना और इल्म हासिल करना शुरू किया तो मैं बता रहा था ना, सबसे पहले जो हमारी फिका की किताब है इस्लामी कानून, मदारिस में कुदूरी पढ़ाई जाती है, उसमें सबसे पहले किताब उत्तहारा, उसमें जब हमने हदीस पढ़ी मैं हैरान हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदस्तैखा अहदुकुम मिन मनामिही फला यगमिसन यदहु फिल इनाइ हत्ता यगसिलहु थलाथन फइन्नहु ला यदरी अयन बातत यदुहु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स सुबह बेदार होता है, ये अरबों को सफाई सुथराई सिखाई जा रही है, सिखाने वाला कौन है ये जहन में रखें, जो ना लिखना जानता है और ना पढ़ना जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं जब तुम में से कोई शख्स सुबह उठे तो बर्तन में उस वक्त तक हाथ ना डाल ले जब तक अपने हाथ को 3 दफा धो ना ले, इसलिए कि उसे पता नहीं है उसके हाथ ने रात कहां गुजारी है। समझ में आ रही है बात?
रात में कोई कुत्ता भी आ सकता है, कोई जानवर आ सकता है, कोई गंदगी लग सकती है, अपनी शर्मगाह पे हाथ भी लग सकता है, किसी का पसीना लग सकता है, किसी में इम्कानात है, यकीन नहीं है नजस होने का, यकीन नहीं है, इम्कान की बेस पे हुक्म दिया जा रहा है कि वो पानी जिससे तुमने वुजू करना है या गुसल करना है या पीने के लिए इस्तेमाल करना है, उसमें तुम्हें 3 दफा हाथ धोए बगैर हाथ डालने की इजाजत नहीं है। सफाई का ये तस्वूर मैं समझता हूं अब भी सोसाइटी में नहीं है, जो 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है। तभी तमाम फुकहा एक मसला बयान करते हैं, भाई बाल्टी में अगर पानी रखा है गुसल से पहले आप किसी तरह मग्गे से किसी तरह चुल्लू से अपने हाथों को पहले 3 दफा अच्छी तरह धोए, उसके बाद आप हाथ डालें। और हमारे यहाँ क्या होता है, लुंगी पहन के डायरेक्ट डुबकी लगा रहे होते हैं लोग, क्या ख्याल है भाई, डुबकी लगा रहे होते हैं। पानी से इस्तिंजा ये किसने सिखाया है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया। लिहाजा जिन कौमों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है उनमें अब तक पानी से इस्तिंजा का रिवाज नहीं। क्यों? उसका ताल्लुक आपकी बॉडी से है, बॉडी को ज्यादा फोकस कर रहा है। कुरान में उन लोगों के बारे में तारीफ नाजिल हुई जो पानी से इस्तिंजा किया करते थे, फीहि रिजालुन युहिब्बूना यतत्वहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, अल्लाह पाकीजा रहने वालों को पसंद करता है। यहां पाकीजा रहने वालों से कौन मुराद है? जो पानी से इस्तिंजा किया करते थे। आप भी दुनिया में गए होंगे बहुत सारे कंट्रीज में, सिर्फ इस्लामी मुल्कों में आपको वॉशरूम में पानी नजर आएगा, बाकी जगहों पर नहीं। अब जापान में आ गया, वो भी उन्होंने मुसलमानों से सीखा है, लेकिन चलो अच्छी बात है तो अच्छी चीज वो लोग ले लेते हैं। और फिर ऐसा खानदानी आया है कि वो हमारे यहाँ नहीं, जापान तो फिर जापान है ना, आदमी ऐसे टेक्निकल सिस्टम है कि आदमी बस नहला के धुलधुला के ऐसा लगता है कि सदियों के गुनाह माफ हो गए, उनकी तो मशीनरी है ना कि हर चीज बटन दबाओ बस सभी। क्या मैं, आप कभी जाएं जापान तो फिर आपको पता चलेगा कि जापान के वॉशरूम कैसे खानदानी हो गए हैं। तो पानी से इस्तिंजा सिखाया, फिर गुसल सिखाया, गुस्ले जनाबत दुनिया की किसी कौम में नहीं है। फिर हमें ये बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 चीजें पैगंबरों की फितरत हैं, इनमें बहुत सी चीजों का सफाई से ताल्लुक है। उसमें आपने फरमाया नाखून तराशना, आज हमारी ख्वातीन के चंगेज खान की तरह बड़े बड़े नाखून होते हैं, उसको समझती है कि बड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं। भाई ये फितरत की बात से बहावत है, ये नेचर से बहावत है, आपको खाने में भी तकलीफ हो रही है और फिर तुम्हारा होगा क्या अगर तुम्हारी बीवी को गुस्सा आया और उसने नाखून लोग अपनी बीवियों को कह रहे थे नाखून बढ़ाओ मुझे पसंद, गुस्सा आ गया और उसने खोप दिए आपके अंदर। ये बहुत मादरत के साथ खवातीन को मैं कहूंगा भाई वो जीनत इख्तियार करो जो फितरत के करीब है। किस कदर टेंशन है आप बताएं, एक हफ्ता नाखून बढ़ जाते हैं, हर वक्त उंगलियों में उलझन होती है कि नहीं? हमारे तो होती है, ऐसे उलझन शुरू हो जाती है हर वक्त यार काटे किसी तरीके, आपने 2-2 महीने से बढ़ाए हुए हैं, ये जीनत नहीं है भाई, ये तगीर खल्किल्ला है, अल्लाह की तखलीक को बिगाड़ना है। आप काटे नाखून आपको सुकून मिलेगा, कोई हुसन नहीं है इसमें नाखून बढ़ाने में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्क आना ज़ेरे नाफ बाल के साफ करने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नथुल इबित बगलों के बालों की सफाई का हुक्म दिया, दुनिया की किसी कौम में इस सफाई का एहतमाम नहीं था। जो खतने का हुक्म दिया है इसकी भी बड़ी वजह सफाई सुथराई है, गंदगी ना हो। यार ये 1400 साल पहले तालीमात दी जा रही है जो अब तक भी दुनिया की बहुत सी पढ़ी लिखी कौमों को ये तालीमात समझ में नहीं आई, अभी तक फॉलो नहीं किया जा रहा उनको, क्योंकि इन सब चीजों का ताल्लुक आपकी बॉडी से। फिर है लिबास की तहारत, कैसे खानदानी अहकाम दिए, कपड़ों पे गंदगी लग जाए तो नमाज कबूल नहीं होगी, और 5 टाइम नमाज पढ़ना आपकी जिम्मेदारी। जब 5 टाइम नमाज पढ़नी है तो कपड़े नापाक रख नहीं सकते आप। फिर घरों को साफ करने का हुक्म दिया, फनाएदार घरों के बाहर की सफाई का हुक्म दिया। अबू दाऊद की हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ों की सफाई का हुक्म दिया गुसल के दौरान। जो जोड़ होते हैं ना आपको याद है बचपन में माए वॉशरूम में ले जाके जब नहलाती थी तो कैसी लड़ाई होती थी ना पत्थर से, मुझे अब तक वो पत्थर याद है, हमारी अम्मा घिसती थी यहाँ घुटनों। तो अब तो वो सब सेटअप ही खत्म हो गया, अब तो डिटॉल डालो सब खत्म, तेजाब ना आ जाए डिटॉल की जगह, मुझे डर ये लगता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ों की सफाई का हुक्म दिया। तो मैं इस मौजू को समेट रहा हूं, सिर्फ एक तहारत ही का निजाम इस्लाम का देख लो ना, उसका अल्टरनेट आज दुनिया में किसी के पास नहीं है। सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक हर तरह की तहारत,